वेलकम फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 25 दिसंबर का करंट अफेयर्स, जो कि बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मानद पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए में है दिलीप स्वामी, बी में है दिलीप सिंह, सी में है दिलीप त्यागी, डी में है दिलीप तिर्की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दिलीप तिर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए में है तेम्बा बाउमा, बी में है केशव महाराज, सी में है डीन एल्गर, डी में है किगन पेटसन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डीन एल्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, किस नेटवर्क ने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए में है जी स्पोर्ट्स नेटवर्क, बी में है टेन स्पोर्ट्स नेटवर्क, सी में है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, डी में है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से चयनित किया गया है? से होना चाहिए दोस्तों यहाँ। तो इसका ऑप्शन ए में है नीतू सिंह, बी में है अंजलि सिंह, सी में है अनिता सिंह, डी में है सौरव खैबम गंभीनी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सौरव खैबम गंभीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा नंबर, हाल ही में किसने गुजरात लिटरेचर फेस्टिवल GLPF का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए में है मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह, बी में है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सी में है मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, डी में है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है छः नंबर, हाल ही में कौन से अटल गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए में है दसवें, बी में है पहले, सी में है दूसरे, सी में है डी में है तीसरे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तीसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां नंबर, हाल ही में कहाँ पर जलोस 2023 का 13वां संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ है? ऑप्शन ए में है चंडीगढ़, बी में है राजस्थान, सी में है पुणे, डी में है जयपुर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां नंबर, हाल ही में किसने विश्व न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए में है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बी में है मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, सी में है मुख्यमंत्री मायावती, डी में है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट देख सकते हैं दोस्तों 25 दिसंबर की महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक घटनाएं क्या क्या हुआ था। तो पहला पॉइंट में है भरतपुर के महाराजा सूरजमल की हत्या 1763 में हुई। नेक्स्ट पॉइंट है मुगल शासक शाह आलम द्वितीय 1771 में मराठाओं के संरक्षण में दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। नेक्स्ट पॉइंट है स्वामी विवेकानंद 1892 में कन्याकुमारी में समुद्र के मध्य स्थित चट्टान पर 3 दिन तक साधना की। नेक्स्ट पॉइंट है पहला अखिल भारतीय कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस 1924 में कानपुर में संपन्न हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है ताइवान में 1946 में संविधान को अंगीकार किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है पाकिस्तानी सेना ने 1947 में जनगढ़ को कब्जे में ले लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है सोवियत संघ ने 1962 में नोवाया जेमल्या क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किया। नेक्स्ट पॉइंट है रोम जा रहे एयर इंडिया के विमान बोइंग 747 का अपहरण 1947 में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति मिखाइल एस गोरबाचोव के त्यागपत्र के साथ ही 1991 में सोवियत संघ का विभाजन एवं उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं रूस एवं बेलारूस द्वारा 1998 में एक संयुक्त संघ बनाए जाने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चीन और बांग्लादेश के बीच 2002 में रक्षा समझौता हुआ। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों 25 दिसंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्ति, तो इसमें महान गणितज्ञ भौतिक वैज्ञानिक ज्योतिर्विद एवं दार्शनिक आइजैक न्यूटन का जन्म
1662 में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है प्रसिद्ध संगीतकार नौशाद का जन्म 1919 में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है फिल्म निर्देशक मनी कौल का जन्म 1944 में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है प्रसिद्ध चित्रकार सतीश गुजराल का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों 25 दिसंबर को हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजा गोपालचारी का तमिलनाडु की राजधानी मद्रास अब चेन्नई में 1972 में निधन हो गया। नेक्स्ट देख सकते हैं हॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता चार्ली चैम्पलिन का निधन 1977 में हुआ। नेक्स्ट है पॉइंट भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह का निधन 1994 में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और असम के मुख्यमंत्री शरद चंद्र सिन्हा का निधन 2005 में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है नाटककार पटक कथा लेखक फिल्म व नाट्य निर्देशक सत्यदेव दुबे का निधन 2011 में हुआ। लास्ट पॉइंट देख सकते हैं दोस्तों भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री साधना का निधन 2015 में हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।